हम लोग ईटानगर ये टेनिस कोर्ट से निकला है, वहाँ में हम लोग ने 28 देश धरना प्रदर्शन किया है। तो 28 देश धरना बैठने के बाद हम लोग यहाँ निकला है, हम लोग दिल्ली की ओर चलेगा बोल के, हमारा पीएमओ के ओर चलेगा बोल के हम लोग निकला है। 28 देश का अंदर में हम लोग ने इतना गला पर के चिल्लाया, हमारे स्टेट में बहुत करप्शन चल रहा है उसको हम लोग साथ में हमारा जो ये है करप्शन अगेंस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं उसको सुनवाई करो बोल के हम लोग ने बहुत गला पर के चिल्लाया। हमारा स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, हमारा गवर्नर की ओर से कुछ सुनवाई नहीं हो रहा था, इसलिए हमने हमारा टीम ने वही डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ से दिल्ली जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे हमारा प्रदेश में कितना करप्शन चल रहा है और हमारा जो प्रेजेंसी है में वो खुद कितना करप्शन है। हम लोग ने उसका ऊपर में केस फाइल किया है, एलिगेशन डाला है, कोर्ट में भी ऑलरेडी फाइल हो हियर टू, दो बार हियरिंग हो चुका है हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का, बिजली का, उसका ऊपर में रिप्रेजेंटेशन किया है क्योंकि हम लोग ने केस ऑलरेडी दर्ज किया है कोर्ट में, पर भी कोर्ट का भी अभी तक सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारा प्रदेश में, हमारा अरुणाचल में इतना जो हमारा पब्लिक को दबाव में रखता है, अपना हाथ में रखता है, कुछ भी नहीं सोचता हमारा अभी जो प्रेजेंसी है, तो कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं है, ना देखने के लिए आता है, ना सुनता है, ना बोलता है, चुपचाप वो जो बोलना है बोलने दो, जो कहना है कहने दो, जो देखना है देखने दो, जो सुनना है सुनने दो, उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता है हमारा पब्लिक को। इसलिए हम वही दुख के साथ हम लोग ईटानगर से निकला है 28 देश धरना बैठने के बाद। और जो आप लोग जो पूछना है कुछ, आप लोग कितने आदमी हैं, कितने लोग जाएंगे? हम लोग लगभग 20 हैं, 16-17 ऐसे कुछ हैं। ये हमारे स्टेट के ही बात नहीं है, सारे देश में करप्ट प्रैक्टिस चल रहा है, इसीलिए हम असम वासियों को ये दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग हमें हमारी इस मिशन में, करप्शन के अगेंस्ट मिशन में आप लोग हमारे साथ दें और साथ दे के हमें इस करप्शन जो करप्ट प्रैक्टिस जो चल रहा है, ये जो करप्शन हुआ है, ये पैसा पब्लिक का पैसा है, अभी इंडियंस का पाई पाई का पैसा है, टैक्स से लिया गया पैसा है, इस पैसा से यहाँ स्कीम जो भी होता है ऑल ओवर इंडिया में जो स्कीम्स है, द रेवेन्यूज जो टैक्स कलेक्टेड बाय कलेक्टेड फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया से टैक्स का पैसा है, इसीलिए आप सबको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है, महत्व है। इसीलिए ये जो अरुणाचल गवर्नमेंट जो इतना एडमिनेंट और रिलोक्टेंट है, जो उनका ऊपर इतना एलिगेशन है, मल्टी टोर स्कैम का एलिगेशन है, तो वो जो जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स करप्शन का बात करते हैं वो अमल नहीं कर रहा अपना बात पर, इसीलिए हम सेंटर जो बीजेपी गवर्नमेंट है जो जीरो टॉलरेंस कहता है, हम विश्वास करते हैं कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है पीएम मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारे इशू को जेन्युइनली वो एड्रेस करेंगे और इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और हम ये कहते हैं, हम ये डिमांड करते हैं कि जो सीएम जो मल्टी क्रोड स्कीम में उस एलेज्ड है वो डीम फिट नहीं है सीएम का पोस्ट में रहने के लिए, इसलिए हम टीम एएससी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ये डिमांड करता है कि तुरंत मोरली द सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश शुड रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट।